लिव 26 अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी। तो आप लोगों को बताइए खान आपका लोन भाई क्या कहना चाहेंगे आप गुजराती सॉन्ग आपने किया है गुजरात में समय नहीं करा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जैसे मैंने पहले भी कहा माइंड ब्लोइंग गुजरात एक ऐसा शहर है जो आज वहाँ से लोग प्रधानमंत्री बन गए देश चला रहे मित्तल लंदन में लोगों को काम करवा रहा है अंबानी यहाँ पे देखो पूरे शहर को खरीद लिया है तो गुजरातियों की रिस्पेक्ट तो दिल से बनती है और मैं भी गुजरात से हूँ और ये गाना करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि गाना बहुत अच्छा है नया टैलेंट दोनों सिंगर और डायरेक्टर दोनों लेके आए मेरे पास एंड मुझे गाना सुन के पहली बार में अच्छा लगा। आपको कैसा लगा गाना? नहीं, गाना तो फर्स्ट क्लास है। तो गुजराती के हिसाब से गाना बहुत अच्छा गाना है एंड वीडियो इसने शूट करने के लिए बोला मैंने बोला भाई गुजराती का एक तो बजट नहीं होता फिर शूटिंग कैसे करेगा तो इसने मेरा भी पैसा अच्छा खासा दिया और लड़की भी मिस इंडिया मेरे साथ में ली और शूट भी अच्छे से किया कैमरामैन बड़ा लिया पूरा यूनिट तो एक फिल्म का गाना जैसा शूट होता है वैसा गाना शूट किया इसीलिए मैंने ये गाना किया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया माशाल्लाह वी आर ऑल हैप्पी विद द रिजल्ट। अगर गाने की बात करें तो आपने गाने को कितना एंजॉय किया पर्सनल मिक्स को? बहुत एंजॉय किया यार हम लोग एंजॉय ही कर रहे थे एक्चुअली बाइक पे लड़की तुम्हारे पीछे इतनी खूबसूरत बैठी है और तुम बाइक चला रहे हो तो एंजॉय करोगे ना। अच्छा सर आपसे बात करेंगे गाना काफी अच्छा है हमको अच्छा लगा ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा तो इसको मेहनत कितना लगा आपको एक गाना बनाने के लिए भाई के साथ में मीटिंग करने के लिए जो अपने वर्क बोलते हैं किस तरह से किया आपने? देखो ये कोई भी यही गाना नहीं कोई भी डायरेक्टर अपना कोई भी डायरेक्टर अगर मैं नहीं कोई भी डायरेक्टर कोई भी एक चीज़ अगर कंटेंट को लेके आता है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है भाई हमको ऐसा लगता है कि हम देख लिया टीवी पे अरे नहीं अच्छा है हमने लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने एक एक कंटेंट को खड़ा करने के लिए कितना वक्त लगता है टाइम लगता है कितना अप्रोच करना पड़ता है फिर उसको रिलीज़ करो फिर उसको पब्लिकसिटी करो तो ये सब में काफ़ी टाइम लग जाता है और ये सब चीज़ में मेरी हेल्प की है मुकेश जी सांगवी साहब ने और भाई ने इजाज़ भाई ने शिश्ती जी ने नूर सिद्दीकी जी ने फरहान सर ने इन सब ने मिल के मुझे अच्छी पब्लिकसिटी दिलाई और आज जो ये सब बैठे भाई के बदौलत है इधर मीडिया जो आई है तो बहुत मेहनत किया भाई इसके ऊपर मैंने। अच्छा बात करें अगर लोकेशन तो गुजरात में कहाँ कहाँ लोकेशन पे शूट हुआ? गुजरात में शूट हुआ गुजरात में हमने वलसाड करके एरिया है उसमें धर्मपुर करके एक हिल स्टेशन है धर्मपुर बहुत ब्यूटीफुल है यार वहाँ पे हमने वो हमको एक माउंटेन वाला चाहिए था क्योंकि ये गाने का बोली तू मंजिल मारी है तो ये हमको लगा कि ये कोई बंगले में या कोई स्टूडियो में नहीं हो सकता है इसको एक अच्छा एक रोड हम दिखाएंगे जो जर्नी एक जैसे एक जर्नी होती है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक जर्नी पे निकले और ये गाना है ड्रीम में सॉन्ग है ये तो एक जर्नी दिखाया तो उसके अंदर हमको एक अच्छा रोड एक पानीपुरी वाला या फिर रात को कैंडल नाइट डिनर तो ये सब थॉट हमने ला के इसको गाने को आपके सामने पेश किया। सो फर्स्ट टाइम जब आप बोलने आए थे स्टेज पे आपकी आंखें भर गई थी क्या क्या एक्सपीरियंस किया था वो आपका? वो एक्चुअली हावी भाई ने मैं बहुत हेल्प किया बस यही बोल सकता हूँ और भाई बहुत बड़े ग्रेट आर्टिस्ट है और वन टेक आर्टिस्ट है भाई मैं इनकी इन भाई जब शूटिंग अभी जब मैं भाई को नहीं पहचानता था जब वो अंबानी पे जब इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया और मैं देखा कि यार भाई एक होके और वो बच्चे के लिए इतना भाई ये कर रहा है तो मैं खुद मेरे पाँच लोग बंदे लोग लेके जाके जैसे होता है ना कि यार चलो मैं भी जाऊँगा तो भाई से मिल लूँगा लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती थी और मैं खुद सबसे बड़ा भाई का फ़ैन हूँ सलमान का तो बाद में बड़े सबसे बड़ा भाई का फ़ैन हूँ जब से मैंने भाई का वो अंबानी वाला जब मैं देखा ना मैं फुल फ़ैन हो गया भाई का और मैं और मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं गाना बनाऊँ ये बनाऊँ लेकिन वो जब मैं हमारे गुजरात में जब मैं गया था तो मेरे कुछ उधर के लड़के लोग थे उन्होंने गाना बनाया था तो मुझे बोला कि भाई एक बार मेरा गाना सुन लो तो वैसे हमने एक उसका गाना सुन लिया मैं बोला यार बहुत मस्त गाना है और मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि भाई मेरा जो ड्रीम था मेरा जो हीरो है मैं उनको लेके बनाऊँ फिर मैं कम से कम मुझे एक डेढ़ महीना लगा भाई को अप्रोच करने के लिए मैं क्या होता था भाई के ऑफिस के गेट तक आता था और मुझे नहीं है आपको सबको पता है कि क्या होता है एक बड़ा सेलिब्रिटी के पास आप जब जाते हो तो उसके जो रहते हैं तो वो पहले मेरे को गेट से मेन गेट से मेरे को हटा देने के कि भाई नहीं है भाई मीटिंग में भाई इधर है भाई इधर फिर मैंने अपना एक दूसरा जैक लगाया मेरे को 3 महीने हो गए थे और मेरे पास सब फाइनेंसर रेडी था सब रेडी था और भाई से मैं मिल नहीं पा रहा था तो एक जरिया ऊपर वाले ने एक जरिया एक बंदे को भेजा मेरे पास में और बोला भाई मैं तुम्हारा काम करता हूँ फिर मेरे को सबसे पहले मैं नूर सिद्दीकी साहब को मिला जो इनके मैनेजर है पर्सनल मैनेजर है
उनको मिला नूर सिद्दीकी को, उनको मैंने प्रोजेक्ट सब समझाया कि सर ऐसा ऐसा है। उन्होंने मेरे को बोला कि पहले आप इसका बजट क्या है और क्या किस प्लेटफॉर्म से आप रिलीज करोगे वो सब आप मेरे को बताना होगा। तो उनको सब जाके मैंने पूरा डिटेल पूरा कंटेंट बताया, पूरा गाना सुनाया, बजट बताया कि भाई ये ऐसा नहीं हम के खाली गए और कुछ भी शूट कर लिया और आ गए, एक प्रॉपर गाने की तरह हम इसको बजट इसको करके और इनको मैं दिखाया। फिर भाई ने भी मुझे टाइम दिया और उस टाइम पे तो फिर मैं कभी भूल नहीं सकता कि भाई ने खुद मुझे बाजू में बिठा के ऐसा लगा, मैं उस टाइम पे एकदम आँख में से आंसू आ गए थे कि यार मैं कभी बंदे का जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा था कि भाई मेरे को क्या पता अभी अभी यार सेलिब्रिटी भरोसा नहीं कभी बोल दिए नहीं भाई देखते हम करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे जब गाना सुनाया ना उसी टाइम पे भाई की BMW थी, बोले नहीं इधर मज़ा नहीं आ रहा है BMW में सुनेंगे। तो BMW में जैसे ऑक्स में लगाया भाई ने सुना, भाई ने डन बोल दिया, बोला डेट ले लो। तो वो दिन था और आज का दिन है, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मेरे को एक और यार इधर तो मेरी औकात भी नहीं बैठती कि भाई की वजह से भाई ने मेरे को इधर बिठाया। ओके सर, जैसे कि एल्बम काफ़ी सुंदर रहा, एक्ट्रेस लग रही प्रियंका चोपड़ा, वो मतलब वो पूरा लुक जिस तरह से प्रियंका चोपड़ा का लुक दिया। नहीं प्रियंका चोपड़ा माशाल्लाह, देखो क्या होता है कि स्मिता पाटिल थी फिर प्रियंका चोपड़ा आई, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड गई तो सृष्टि आई, तो बहुत अच्छी मतलब मुझे नॉर्मली स्क्रीन पे जब मैंने इसको देखा, मैंने इसका काम देखा, मैंने फ़ोटो देखे, तो नूर सिद्दीकी ने जब मुझे बोला कि भाई ये मिस इंडिया है, हमारी दोस्त है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो मुझे अच्छा लगा। फिर काम के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तुम्हारा डेडिकेशन। नॉर्मली लोग यहाँ पे आते सीधा आते ही समझते कि मैं प्रियंका की कतरीना की सबकी वाट लगा दूंगी, सलमान शाहरुख की वाट लगा दूंगा, तो ऐसा होता नहीं है। उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए सुबह से लेकर रात तक का, और उसके लिए पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, और वो सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और सबसे बड़ी बात कि हमको लड़की चाहिए थी जिसको बाइक भी चलाना है। अब लड़की को ऐसे ढूंढोगे जिसको हार्ली डेविडसन चलाना आएगा, तो इसको आती भी थी और फिर एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी थी, तो सारी चीज़ें इसके अंदर थी। और वो बोलते ना एक वक्त होता है मुकर्रर जब सब चीज़ें एक साथ मिल जाती है और सब हो जाता है। और मुझे क्या होता है, मेरा कोई भी फ़ैन है जो मैं उसको फ़ैन नहीं समझता हूँ, मैं उसको अपना भाई समझता हूँ, अपना प्यार करने वाला समझता हूँ, क्योंकि फ़ैन कैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो तुमसे प्यार करते हैं उसका मतलब तुमसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती है। तो ये मेरे पास आया, इसने बोला मेरा फ़ैन है, तो अब यार कोई तुमसे प्यार करके तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हारे उम्मीद लेके आ रहा है तो उसकी उम्मीद तोड़नी नहीं चाहिए तुम्हें, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। हुआ कि भाई ने चलो गाना हो गया शूटिंग हो गया तुम तुम्हारे घर पे मैं मेरे घर, भाई ने मेरे को लेके चला। आज ये हमारा 3 महीना हो गया शूट करके और आज रिलीज़ हो रहा है, तो 3 महीने में भाई ने मेरे को अपने ऑफिस में बिठा के रखा कि भाई तेरा जो भी पब्लिसिटी करना है जो भी तेरा काम करना है मेरे ऑफिस में बैठ के तू कर सकता है, ऐसा गैर नहीं समझा कि नहीं भाई तू तेरा हो गया काम तू चले। तो अरे भाई कल को कोई भी फ्यूचर में रोहित शेट्टी बन सकता है, हैं? ओके सर, सर के साथ कैसे? वन सलाम भाई कैसे हो? मंजिल मारी ऐसे तो एक चाहे आप अपने लव को लव इंटरेस्ट को कह सकते पर एक एक ड्रीम भी होता है, व्हाट इज योर ड्रीम एक्चुअली? माय ड्रीम इज टू बिकम सुपरस्टार वन डे, एंड बिफोर बिकम अ सुपरस्टार आई वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड आई एम ट्राइंग बोथ एंड आई एम वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ देम इंशाल्लाह। मेरी मंजिल वही है यार, और आखिरी मंजिल तो फिर हमारी आखिरत है, तो दुनिया में अच्छे काम करोगे तभी तुम्हारे को वहाँ पे भी अच्छी चीज़ें मिलेगी, वरना फिर यहाँ भी जन्नम वहाँ भी जन्नम, इससे अच्छा यहाँ अच्छे काम करो तो वहाँ जन्नत मिलेगी। और राजू कारिया जी भी आ चुके हैं, तालियाँ बजाइए उनके लिए। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि मेरी सबसे पहली फिल्म जिस तरह से मैंने इसे सपोर्ट किया उस तरह से मुझे भी किसी ने सपोर्ट किया था, वो आदमी यहाँ बैठा हुआ है राजू कारिया। और मैंने एक फिल्म किया था पथ, मेरी पहली फिल्म थी, मैं और शरद कपूर हीरो थे, और रात को 1 बजे मीडिया मतलब मीडिया दिन में नहीं आती है यार किसी के लिए, तो ये इंडस्ट्री के पहले PR हो है, देख ले पीछे मुल्क देख जिसके मतलब तब शाहरुख सलमान हमने देखा है कि अक्षय कुमार जॉन अब्राहम सर के पास बैठे रहते थे और कहते थे कि हमारा ये करवा दो वो करवा दो, उस टाइम पे एक नए लड़के को इन्होंने सपोर्ट किया और वो लड़का यहाँ बैठा हुआ था। कुछ नहीं, PR का मतलब ये सबके जो दुकान चल रही है वो राजू कार्य की वजह से।
ये सच्चाई है। ओके सर, मैम कैसा रहा एक्सपीरियंस सर के साथ काम करना? उन्होंने टैग दिया प्रियंका चोपड़ा आपको, हाउ यू टेकिंग दिस एप्रिसिएशन? सो मेरे लिए प्रियंका चोपड़ा हैज ऑलवेज बीन माय रोल मॉडल राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज शी हैज़ डन एवरीथिंग बाय हरसेल्फ विथ हर डेडिकेशन। सो उन्होंने मेरे को प्रियंका चोपड़ा बोला एजेंसी ने, तो आई फेल्ट लाइक ओ माय गॉड, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग दैट मेरे को प्रियंका चोपड़ा के साथ कंपेयर किया जाए। वो भी मिस इंडिया थी ना, फिर मिस वर्ल्ड बनी, ये भी मिस इंडिया है, अभी मिस वर्ल्ड को जाएगी। ओके तो रियाज खान, आज अपने फिल्मी करियर को किस लेवल पे देखना चाहते हो? एक स्ट्रगलर ने जो बॉम्बे में शुरुआत की थी, यहाँ आके हिंदी, तेलुगु, तमिल, गुजराती सारे फिल्में कर ली, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि मैं इंसान हूं सर। और मुझे एक बड़े महान व्यक्ति ने कहा था, जिनका नाम था राजू कारिया, कि जिस दिन तू खुश हो गया तेरे काम से, उस दिन से तुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। और मैंने उस चीज़ को सीखा, फिर मैंने कई बड़े लोगों से सीखा है कि अपने ही काम से तू खुश होता रहेगा तो फिर तुझे आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। तो सर इसीलिए मैंने तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी सारी लैंग्वेज में फिल्में की, लोगों को मेरा काम पसंद आया, इंटरटेनमेंट मैंने लोगों को दिया बिग बॉस में। तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं नया ही हूँ अभी तक। आपने सारे फील्ड कर लिए, फिर भी आप बहुत अच्छे टैलेंटेड होने, एक्टर होने के बावजूद एक्टिंग से ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ज़्यादा फेमस हो, ऐसा क्यों? सर बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाइयों ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। मैं थोड़ा सा सच बोल देता हूँ सर, थोड़ा विटी हूँ, इसीलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आ जाता हूँ। जैसे 15 साल पहले सलमान भाई थे, बीइंग ह्यूमन खुलने के बाद भाई चेंज हो गए, तो वैसा ही मेरा भी है। पहले आप देखो सर, कहीं ना कहीं मैं उनका फ़ैन भी हूँ, उनको मानता भी हूँ, और थोड़ा सा फ्री माइंड हूँ। आप तो जानते हो सर, आप मुझे हमेशा समझाते हो फ़ोन करके, और आपने मुझे बहुत बार बचाया भी है कई मुसीबतों से। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो तुमने लाइफ में नहीं किया और करने की राह देखी और अभी तक के मिला नहीं? सर मुझे ईश्वर का अनिल कपूर ने जो कैरेक्टर किया वो मैं करना चाहता हूँ, और एक मैं करना चाहता हूँ अग्निपथ का अमिताभ बच्चन, ये दो किरदार मैं ज़िंदगी में करना चाहता हूँ। बहुत ऑपोजिट है दोनों, और ये दोनों ही मेरे इंडस्ट्री के फेवरेट एक्टर है दोनों, मतलब इन दोनों को पकड़ना बॉलीवुड में किसी के बस की बात नहीं। तो आपको नहीं लगता है लोग इससे बचते हैं, सेलिब्रिटी चाहे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, एंड यू ऑलवेज टारगेट अंबानी हु रन द कंट्री। आप देखिए हर जगह सेक्टर में अंबानी। कभी भी तू देख पिक्चर देख, कोई भी एक आम हीरो होगा ना, आम हीरो जो होता है, आम जनता का हीरो, वो हमेशा इस तरह के बड़े लोगों को टारगेट करता है। इसीलिए आप मोदी को टारगेट करते हो, योगी को टारगेट कर देते हो? हाँ सर, मोदी जी ने मुझे लेटर भी लिखा कि मैं सही हूँ, मैं उन्हें टारगेट करता रहूँ, उन्हें अच्छा लगता है। लेटर लिखा है मोदी जी ने? हाँ, देखा नहीं तुझे? आज दिखाई देता हूँ यार, आज जनता को भी दिखा दो यार, दिखा दीजिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री ने 3 साल में राहुल गांधी को जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख के जवाब दिया है, आज जनता देख ही ले। अब बंद हो गया ना गाय के नाम पे सब। बस आज तक का अब तू थोड़ा उससे भी बाहर निकलना, मेरे खाली डिजिटल पे इंटरव्यू थोड़ी चलते बेटा।
आज तक वाज तक एबीपी भी मेरे पीछे भागता है। नहीं, डिजिटल का मैं किंग हूँ सर। डिजिटल पे देखो इंटरव्यू उसी के चलते जो थोड़ा सच बोले, वरना आप देखो सुशांत सिंह ये वो इंटरव्यू एक व्यू भी नहीं आते, क्योंकि ये सोशल मीडिया, यहाँ पे सोशल लोगों का ज़्यादा इंटरव्यू चलता है, या फिर आप सुपरस्टार हो। बाकी आप देख लो वीडियो लगा के 5,000-7,000 व्यू। डिजिटल मीडिया भी उसी के पास जाती है जिससे उनका घर चले, क्योंकि जब तक तुम कुछ कॉन्ट्रोवर्सी या तुम कुछ सच नहीं बोलोगे, जब तक तुम ओपनली आके सामने कुछ नहीं बोलोगे, तब तक तुम्हें टैग नहीं मिलेगा एजाज खान ने ये कहा, तब फिर वो चैनल बड़े हो जाते हैं कई बार। तो सर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अब इसमें मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली थी कि भाई मोदी जी आप गाय के नाम पे इतने लोग मार रहे हैं, आपके गौ रक्षक, आप एक काम करिए, गाय के चमड़े से बनी हुई चीज़ों को पहले बंद करवाइए, ये सच था। तो उसके लिए ऊपर वाले ने मुझे चुना, मैंने बोल दिया। जुबैर खान मेयर आप में लकीर के फकीर के बाद में हेलो हाय भी बंद हो गई, जहां तक कि मुझे याद है एक पब का सर। देखिए अगर अल्लाह ताला ने कहा है और किसी ने कहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूं, तो उतनी जल्दी सामने वाले को माफ़ कर दो। और कहीं ना कहीं जुबैर में मुझे चेंज नज़र आया, कहीं ना कहीं मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया और उसके अंदर मुझे चेंज नज़र आया। और लकीर का फ़कीर एक ऐसा सर फिल्म है जो हर दुनिया में जितने लोगों ने मेरी फिल्म देखी उसमें सबसे पहले उसने मेरी ये फिल्म देखी। एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसको सेकेंड पार्ट में लाना ज़रूरी भी था, और जुबैर का चेंज मुझे दिखा तो हम दोनों वापस दोस्ती हो गई। जिस तरह आप मुझ पर नाराज़ हो जाते हो, एक एक साल दो दो साल मिलते नहीं हो, फिर आप सडनली एक दिन फ़ोन करते हो, मारा टिकरा केम थे मारा बहिला तारी, वो याद आवे जे मुझे। तो सर वही है ज़िंदगी, वही है सर। हाँ वो तो हो जाता है। मैं क्या उनके साथ में था क्या? जुबैर ने मेरे को बोला कि भाई का मैसेज है, अम्मी का इंतकाल हो गया, तो मैंने वो बोला ठीक है अच्छी बात है। अरे बाबा किसी की अम्मी का इंतकाल हो जाता है, सामने वाला सब भूल के उसको मैसेज करता है, इंसानियत है कि नहीं? बस खत्म हो गई बात, बस करेंगे आप हैप्पी बर्थडे। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अगर उनकी तबीयत खराब है तो हम उनके लिए दुआ करेंगे और हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मैंने ये घर में इतना गाना सुन लिया कि मेरे छोटे बच्चे को भी याद आ गया गाना गा रहे।